इसी तरह से हाथ से लिखने वाला वीडियो आप अपने मोबाइल से बिना मेहनत किए बस 2 मिनट के अंदर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन की जरूरत है, उस एप्लीकेशन को आप किस तरह से यूज करके बस 2 मिनट के अंदर इस तरह का हाथ से लिखने वाला वीडियो को बना सकते हो। ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए आपको काइन मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उस टॉपिक के ऊपर भी पहले एक वीडियो को बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है कि किस तरह से आप अपने काइन मास्टर के अंदर से इस तरह का हाथ से लिखने वाला वीडियो को बना सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट पे भी उस वीडियो को पिन कर दूंगा, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने काइन मास्टर के अंदर से बहुत ही आसानी से अपने हाथ से लिखने वाला वीडियो को बना सकते हो। लेकिन उस तरह का वीडियो को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर जिस ट्रिक के बारे में बात करूंगा उस ट्रिक को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल भी बिना मेहनत किए आप बहुत ही आसानी से किसी भी फोटो को लेकर, चाहे वो आपका फोटो हो या फिर किसी भी दूसरा किसी भी फोटो को लेकर, आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से ही बस 2 मिनट के अंदर इस तरह का हाथ से लिखने वाला वीडियो बना सकते हो। तो इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उस लिंक को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पॉपअप खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले जो करना है, आपको यहाँ पे जहाँ पे YouTube लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो ज्यादातर लोग YouTube के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो की टाइटल लगाना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ YouTube वीडियो। लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट मूवी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पे एडिटिंग करने की जो पेज है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो फीचर्स दिया हुआ है इन सारे फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से ही हाथ से लिखने वाला वीडियो को कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर टच करोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जितना फीचर्स दिया हुआ है सब हाइड हो जाएगा। आप दोबारा उसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक सारे के सारे फीचर्स आ जाएगा। उसके बाद जो फीचर्स है यह है सेव का। उसके बाद जो इमोजी का लोगो दिया हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करके चाहे वो इमेज हो पीएनजी फोटो हो वो आप यहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है टिक का, आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक ब्रश का लोगो दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपके बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो लोगो है आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी म्यूजिक को अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो हैंड का लोगो दिया हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो के अंदर कौन सा हैंड को यूज करना चाहते हो उस हैंड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है इसके मतलब है लेयर, आप इसके ऊपर क्लिक करके एक एक करके लेयर को अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करके आप जो प्रोजेक्ट को रेडी करोगे उस प्रोजेक्ट को प्ले करके आप देख सकते हो कि आपकी बना हुआ वीडियो किस तरह से बना है। और लास्ट में जो ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने बनाए हुआ वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इन सारी फीचर्स की मदद से एक वीडियो को बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी चीज को लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे हेलो लिख लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, उसकी कलर को चेंज कर सकते हो, उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे और भी मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इसे भी ऐड कर लेता हूँ। ये तो रहा पहला पेज। इसके बाद भी अपने वीडियो के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है नीचे की तरफ जो लेयर का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से कुछ लेयर का ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके एक एक्स्ट्रा लेयर को अपने वीडियो के अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ फोटो को यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है आपको यहाँ पे इमोजी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ऐड इमेज का ऑप्शन दिखा है आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने फोन के अंदर से कोई भी फोटो को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइगर वाला फोटो को ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आप यहाँ से अपने वीडियो के हिसाब से फोटो को दो फिंगर की मदद से जूम कर सकते हो। यहाँ पे भी चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे एक एक करके लेयर को ऐड करके उस लेयर के ऊपर चाहे कोई भी टेक्स्ट हो चाहे कोई भी इमेज हो उस चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है सबसे नीचे से दूसरे फीचर जो है प्ले बटन का, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपकी बना हुआ वीडियो किस तरह से बना है आप यहाँ पे देख सकते हो। कितनी आसानी से आप बहुत ही आसानी से बस 2 मिनट के अंदर इस तरह से हाथ से लिखते हुआ वीडियो को बना सकते हो। और फाइनली जब आपको लगे कि आपकी वीडियो बन चुका है तो सबसे नीचे जो फीचर्स दिया हुआ है आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे
तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पॉपअप खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है, मेक मूवी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़े टाइम वेट करना है। तो उम्मीद है आप अपने किसी काम की वजह से इस तरह का हाथ से लिखता हुआ वीडियो को बनाना चाहते थे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से बस 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से इस तरह का वीडियो को अब तक बना लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी आपके दिमाग में इस टॉपिक के ऊपर या फिर दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी सवाल चल रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। आपको आपकी सवाल के जवाब 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे इससे भी बड़े आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।